एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह से मैंने वीडियो एक ही डाला है और मैंने बोला था कि मैं रिएक्शन दूंगी, लेकिन ऐसा कोई कंटेंट मुझे दिखा नहीं कि जिस पे मैं बोलूं, क्योंकि ढोआ ढाई चल रही थी तो उसमें मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कुछ बोलूं। और मैंने सोचा कि शाम को एक धाकड़ वीडियो आने वाला है, उसका वेट करते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। तो वैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक वीडियो आया जिसमें कि बहुत सारा कंटेंट निकल गया, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और हंसी तो मुझे बहुत आ रही है इसकी बातें सुन सुन के, बिकॉज एक इंसान सुबह उठता है, ठीक है, नहाता धोता है, पहले ब्रश करता है, फ्रेश होता है, नहाता धोता है, उसके बाद घर के 3600 काम होते हैं जो हर औरत करती ही है, मुझे जहाँ तक लगता है ना। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि काफ़ी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं, लेकिन लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ेंगे हमें इन कामों के लिए। तो हम जो पहले ज़रूरी काम होते हैं हम उनको निपटा लेते हैं, प्लस अपना खाना पीना कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं एकदम। फ्रेश होने के बाद इंसान फ्रेश माइंड से सब कुछ करता है, तो उसका दिमाग भी चलता है, उसका सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, प्लस वो काम भी बहुत अच्छे से कर पाता है ना। मैं तो यही करती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, चाहे मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो भी, और अगर बाई चांस किसी दिन मेरा मन नहीं किया जल्दी उठने का, लेट उठ गई, तो तब भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे ही उन्होंने ऑफिस जाना है, नहीं, वो 10:30-11 बजे ऑफिस जाते हैं, तो मेरे पास टाइम होता है ना। तो मुझे कोई इतनी हाय तौबा होती नहीं है सुबह जल्दी जल्दी उठने की, लेकिन फिर भी जब कभी जल्दी उठ जाते हैं हम, 6 बजे वो जिम जाते हैं, तो कई बार मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ और कई बार मैं थोड़ा लेट भी उठ जाती हूँ, लेकिन काम मेरे उसी तरीके के होते हैं कि भाई जो सबसे पहले ज़रूरी काम होते हैं, जैसा कि सबसे पहले तो उठ के मेरा नहाना फ्रेश होना यही होता है, सच बोलूँ तो, क्योंकि मुझे करनी होती है सुबह सुबह उठ के पूजा। मेरे घर में सबसे पहले दिया जो जलता है वो मैं जलाती हूँ, तो मंदिर में मेरे को पूजा करनी होती है, और मेरे घर का जो गैस है वो तभी चलता है जब नहा लेते हैं हम लोग। तो नहाने के बाद मैं पहले एक तरफ चाय बनाती हूँ, पूजा करके और नाश्ता करते हैं उस टाइम पे हम लोग नहा धो के, तो इस तरीके से हमारा रूटीन स्टार्ट होता है। नाश्ते के बाद आपको ढेरों काम होते हैं, नाश्ते से पहले कुछ काम होते हैं जैसे कि घर का थोड़ा क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे घर में पोछा हाथ वाले पोछे से मैं मारूं, नहीं, मैं मोप लेके बैठी हूं तो मैं मोप से पोछा कर लेती हूं। तो ये है कि नहाने के बाद भी अगर पोछा करो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार मैं ऐसे भी करती हूं कि नहाने से पहले ये सब निपटा देती हूं। तो कुछ इस टाइप का रूटीन मेरा रहता है, और मुझे लगता है कि जितनी भी लोग मेरे वीडियोस देखेंगी, जितनी भी लेडीज़ अपने घर का काम करेंगी करती होंगी, उनका सबका यही एक रूटीन रहता है। क्योंकि आप कितना भी वर्किंग वूमेन बन जाओ, बेशक आप कितने भी दुनियादारी कर लो, लेकिन आप एक हाउसवाइफ हो तो आपको वो रोल प्ले करने पड़ते हैं, ठीक है। कई लोगों के घर में होता है मेड होती हैं, कई लोगों के घर में मेड नहीं होती हैं, कुछ रीज़न होते हैं कि मेड नहीं लगवाना चाहता बंदा। अब मेरा रीज़न ये है कि मुझे सामने किसी और के हाथ का काम पसंद नहीं आता, ठीक है। अभी मेरे घर में मेरी सास भी अगर किचन में खड़ी कुछ कर रही हैं तो उनका रूटीन अपने हिसाब का है, मैं अपने हिसाब से रखती हूँ चीज़ें, वो अपने हिसाब से करती हैं, मेरी नंद है वो अपने हिसाब से काम करती है, तो हर एक पर्सन का अलग अलग रूटीन होता है। तो इस चक्कर में मुझे पसंद नहीं आता किसी दूसरे का, तो अपना किचन मैं खुद ही संभालती हूँ, तो ऐसा है मेरा। पर मैंने इसका वीडियो देखा, अभी आपको मैंने अपनी कहानी इसलिए बता दी क्योंकि मैं इसका वीडियो देख के इसलिए हंस रही हूँ कि यार इसकी रूटीन में क्या स्टार्ट होता है, आपको मैं वो भी बताती हूँ। इसकी रूटीन में सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपना खाना पीना स्टार्ट होता है, ठीक है, कि सुबह उठे और फटाफट रसोई में क्या पड़ा है, इधर कौन से कोने में क्या पड़ा है, वो सब खा लूँ पी लूँ, वो सब स्टार्ट होता है। आपने देखा ही होगा इनके जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी, आलू फ्राई हो रहे थे और दही के साथ खाने की तैयारी हो रही थी, आपने देखा था ना ये वीडियो में, और मैं भी देख रही थी। तब तक बच्चा सो रहा था, बच्चे को उठाया भी नहीं गया था, तो आप सोचो कि अगर वो बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा सो रहा है, तो इस हिसाब से वो आलू किस टाइम पे तले गए और किस टाइम पे वो खाने के लिए बैठी थी ये मैडम, आप यहीं से हिसाब लगा लो, ठीक। दूसरी बात, आज इन्होंने अपने मुँह से इस
अभी मेरे वीडियो के पहले जो वीडियो आया उसमें खुद ही बोल दिया कि पूरा दिन निकल गया, मैंने ब्रश तक नहीं किया और मैंने 5 पैकेट मैगी खा लिए। ठीक है, ना मैं 2 दिन से नहाई हूँ, ना मैंने ब्रश किया है, लेकिन मैंने 5 पैकेट मैगी के खा लिए। और भैया मैं तो शॉक हो गई ये सुन के कि बहन कैसी औरत है, मतलब निकल कैसे गया एक भी पैकेट अंदर, मुझे समझ में नहीं आई। 2 दिन से सोचो नहाई नहीं है और इतनी भरी गर्मी पड़ रही है ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे घर में एसी चल रहा है इस टाइम पे भी, मतलब हमारे घर में ना ये इस टाइम पे भी हिसाब हो गया है, मेरे घर में कम से कम 5 दिन 6 दिन हो गए एसी चलता है तब हम सोते हैं, एसी के बिना हम लोग नहीं रह पा रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि गर्मी हो गई है, एक्चुअल में गर्मी हो गई है, जो मई जून में गर्मी हुआ करती है वो यहाँ पर हो चुकी है उतनी गर्मी। आपको पीछे से आएगी थोड़ी सी कुकर की आवाज़, थोड़ी सी सब्जी वाले भैया की आवाज़, तो थोड़ा सा एडजस्ट तो कर लीजिएगा आज की वीडियो में, क्योंकि खाना बनाने के लिए रखा है मैंने, टाइम ओवर हो चुका है, 8 बज चुके हैं, तो खाना तो बनाना है, प्लस भैया आ गए अपनी ड्यूटी पूरी करने, सब्जी देने सबको, तो इस वजह से शोर आएगा। तो इनका रूटीन जो शुरू हुआ वो इस तरीके का शुरू हुआ कि मतलब इनका सुबह खाना स्टार्ट हुआ और अभी तक आप देख सकते हो 7 बजे ये वीडियो आया, तो इसको एक बार भी ये फील नहीं हुआ कि भाई मैगी भी कोई कच्ची कोई खा ली होगी, मैगी तो पकाई होगी ना, तो जब पहला पैकेट पकाने के लिए रखा तो इसको तब भी नहीं लगा, फील नहीं हुआ कि भाई ब्रश नहीं किया इसने और इस तरीके से ये खा रही है मैगी, तो बिना ब्रश के खा रही है। ऊपर से थंबनेल और टाइटल ये लगा है कि हस्बैंड जी से पड़ गई डांट, ससुराल वालों अभी से लड़वाओ मत, ऐसा करके कुछ, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भैया उसमें तो तूने कंटेंट में डाला है कि भाई मैगी खाने की वजह से तुझे प्रसाद मिला है ना तेरे हस्बैंड जी से, तो मैं ये कहूँगी कि इसमें ससुराल वाले कहाँ से आ गए। हाँ मतलब नए ससुराल वालों को भी जूते भिगो भिगो के बातें शुरू कर दिए, भाई हद दे भाई तेरी, तो मतलब अभी पुराने वालों से डीलिंग ख़त्म नहीं हुई इसकी और इसने नए वालों को जूते मारने शुरू कर दिए, जो पहले ससुराल में कांड किए वही सेम दूसरे में भी चालू हो गए इसके। तो मैं यही कहूँगी कि जो इंसान खुद का सगा नहीं है वो किसी दूसरे का या अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का, A to Z किसी और का कैसे सगा हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इस लेडी का कि ये क्या चाह रही है, ये क्या कर रही है। मतलब इंसान को भगवान ने बनाया ज़रूर है, लेकिन भगवान ने इंसान को ये ज़रूर सिखाया है कि उसको क्या कैसे करना है, इतनी समझ तो मेरे को लगता है कि हर इंसान को होती है ना, लेकिन इस तरीके की हरकतें करके फिर आप YouTube पे व्लॉगिंग कर रहे हो, इसको व्लॉगिंग बोल रहे हो और इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो अपने आप को, एक क्रिएटर बोल रहे हो, तो मुझे तो लगता है फिर तो मेरा ही चैनल अच्छा है कि भाई कम से कम मैं दुनिया को कुछ अच्छा नहीं बोल रही, तो मैं दुनिया को कुछ गलत भी नहीं सिखा रही है ना, मतलब मैं तो इस मामले में फिर बहुत सही हुई कि लोग मेरे मुंह पे ये बात बोल के निकल जाते हैं। कई लोग हैं जो इसके अंधभक्त हैं और बहुत ज़्यादा इससे लगाव है, दिली रूप से बहुत ज़्यादा चिपके पड़े हैं इसके साथ, तो वो लोग मेरे बारे में बोल जाते हैं चुगली कर रही हूँ है ना, तो भैया मैं चुगली करके खुश हूँ, कम से कम मैं चुगली ही कर रही हूँ ना, किसी के गंदा कुछ कर नहीं रही, किसी का कोई ऐसी हत्या नहीं कर रही, ना ही किसी के लिए गलत वो कर रही हूँ है ना, जो कर रही हूँ चुगली कर रही हूँ। अब चुगली सुनने वालों में इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को तो सुन लेने दो, बात ही तो कर रही हूँ खाली, कम से कम गलत राह पे चलने को तो लोगों को मजबूर नहीं कर रही ना, लोगों को ये तो नहीं कह रही कि दुनिया में नहाओ मत, खाते रहो गाय भैंसों की तरह, ब्रश मत करो, अपनी लाइफ को पूरा झंड बना लो, घर में खाना बनाओ ही मत, मैगी तुन लो बाहर के ढाबों के ठेके के सामने जाके, जो ठेले वाले स्टॉल होते हैं वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लेके खा लो और अपनी फेफड़े गुर्दे कलेजे सब फाड़ लो ख़राब कर लो, ऐसी चीज़ें तो नहीं कह रही ना, एटलीस्ट मैं कुछ अच्छी चीज़ें कह रही हूँ कि भैया आप ऐसी ब्लॉगिंग देखना पसंद कर रहे हो। ये बोलती है मेरे पास टाइम नहीं था खाना बनाने का, तो भैया मैं इससे यही पूछूंगी कि आज के टाइम में टाइम होता किसके पास है, लेकिन पूरा आप घूम फिर के देख लो तो इंसान इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी जिल्लत वाली ज़िंदगी किस लिए जी रहा है, सिर्फ रोटी के लिए ना, 2 रोटी के लिए तो तुम यूट्यूब पे इतने धक्के खा रही हो, जब तुम रोटी बना के नहीं खा सकती हो तो फिर रोटी कमाने का भी क्या ही फ़ायदा हो रहा है तुम्हें।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार रोटी के लिए इंसान सब कुछ करता है ना, चाहे ये है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हो, कोई भी है मेहनत कर रहा है, कोई किसी का पति कमा रहा है या कोई किसी घर की औरत कमा रही है, तो वो किस लिए कमा रही है? सिर्फ दो रोटियों के लिए? इतनी मेहनत इंसान सिर्फ रोटी के लिए करता है, और जब रोटी ही नहीं खा रहा है तो फ़ायदा क्या उस पैसे का या उस कमाई का? कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। अब मुझे देखो, आप सुबह मैं उठती हूँ तो मेरा घर का पूरा काम रहता है, जो हर एक औरत को रहता ही रहता है। आप समझ सकते हो कि मतलब अगर आप मैरिड हो तो आपको 3600 काम होते हैं, और ऐसा होता है कि अपने पूरे घर की एक एक चीज़ों की ध्यान रखना रहता है, राशन से लेके घर के सारे कामों से लेके दवाई दवाई वगैरह से रिलेटेड सब कुछ, टोटली किसका क्या बिल भरना है, क्या करना है, वो सब कुछ याद रहता है। ठीक है, उसके बाद अपने ऑफिस का पूरा काम रहता है मेरे पास। ठीक है, मैं वर्किंग हूँ, जॉब है मेरे पास, तो मेरे को जॉब से रिलेटेड 3600 काम वहाँ भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना है, लेकिन हाँ जब ज़रूरत होती है तब मैं बाहर भी चली जाती हूँ, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन मेरे को वो भी काम रहते हैं, हर एक कस्टमर, हर एक क्लाइंट का जो भी चीज़ें जिस तरीके की होती हैं उस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं IT में हूँ। उसके बाद मेरा YouTube से रिलेटेड काम बहुत रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, अनलिमिटेड काम रहता है जो YouTube पे रहता ही रहता है, और मुझे करना ही करना है। और आप इसको देख लो और मुझे देख लो तो आप समझ जाओगे कि भाई वीडियोस तो मैं भी उतनी ही बना रही हूँ, उससे ज़्यादा ही बना देती हूँ कई बार, तो है ना, वो रहता है। प्लस उसके बाद फिर जब सारा चीज़ें निपट जाती हैं तो ये टाइम जब आता है 8 बजे 9 बजे का, उसके बाद फिर मुझे वापस हाउसवाइफ के रूप में बनना पड़ता है ना, क्योंकि मैं घर की हूँ तो भैया जो घर वाले हैं उनको खाना कौन देगा, जो पूरे दिन की इतनी मेहनत की और रात को भूखे सुला दूँ तो फ़ायदा क्या उस रोटी कमाने का, कोई फ़ायदा हुआ? या मेरे पति कमा रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा हुआ जब उनको रोटी नहीं मिलनी? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान को सारी चीज़ें करनी होती हैं। अभी सुबह का नाश्ता, लंच, शाम का स्नैक्स, टाइम का स्नैक्स, उसके बाद डिनर, ये सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ में भी, हम क्या इंसान नहीं, हम भी तो खा रहे हैं और कमा रहे हैं ना, पर इसका चीज़ें समझ नहीं आती। और BTech करने के बाद भी इसको इतनी भिखारियों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ रही है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, आप लोग वीडियो इंजॉय करो, मैं अपना डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं अपना डिनर पूरा कर लेती हूँ। अब मिलते हैं हम अगले कल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहिए तो मैंने बनाकर फटाफट पोस्ट कर देना है, 9:30 तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।